मेरा नाम डॉक्टर फिरदौस है, मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ और इम्यूनाइजेशन का इंचार्ज भी हूँ। हमारा आज का जो ये ड्राइव है ना, ये हमने कल से शुरू किया है, 18 ईयर से 44 साल तक के जितने भी एज ग्रुप में लड़का लड़कियाँ जो भी आता है उनको हमने पूरा वैक्सीनेट करना है। देखिए, थर्ड वेव को ओवरकम करने के लिए, थर्ड वेव को हराने के लिए वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वी हैव टू वैक्सीनेट एवरीबडी। अनलेस एंड अंटिल एवरीबडी इज नॉट वैक्सीनेटेड वी कैन नॉट ओवरकम थर्ड वेव दिस करू। सो यहाँ आज पब्लिक को रोकने का, ट्रैफिक को रोकने का हमारा यही मकसद है कि हर एक इम्यूनाइज हो और हर्ड इम्यूनिटी हमें हासिल हो। हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए एटलीस्ट 80% लोगों को वैक्सीन करना जरूरी है। हमारी आपकी वसादत से लोगों के लिए यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू वैक्सीनेशन। जिस तरह हम अपने बच्चों को 11 डिजीज के खिलाफ वैक्सीनेट करते हैं, कोई हमसे ये सवाल नहीं पूछता ये वैक्सीन आई कहाँ से, क्या है क्या नहीं है। इसी तरह हर एक को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इस एपिडेमिक को खत्म करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहां तक आइए। तकरीबन अभी के आज के डेट में हमने 2000 वैक्सीनेशन डोजेस दिए लोगों को। और प्लीज कम फॉरवर्ड, और हमें एजुकेशन ग्रुप जो है, जो एजुकेटेड ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, वही ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम या और कोई चीज है या इनफर्टिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग फिर यही FI थोड़ा सा होता है, किसी को बुखार चढ़ेगा, किसी को पास होगा, सुई से तो लगेगी, वो तो बहुत कम है, वो उसको हम एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मानते हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड, एक बार आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कम फॉरवर्ड, खुद ही आ जाइए और खुद ही वैक्सीनेट कराइए। थैंक